मोहनदास करमचंद गांधी हमारे बापू, जिन्होंने न सिर्फ भारत को अपनी लड़ाई लड़ना सिखाया बल्कि पूरी दुनिया को जीने का एक नया मार्ग भी दिखाया। इनके बारे में जानने के लिए इससे बेहतर स्थान क्या हो सकता है। बापू ने कहा था, माई लाइफ इज माई मैसेज, और ये जगह बापू के संदेश का आईना है। साबरमती आश्रम यानी हमारे बापू का घर, और ये वही आइकॉनिक जगह है जहां 1930 में उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की। आज देश में उनके आदर्शों का अनदेखा विस्तार होता दिखता है, चाहे वो बापू का स्वच्छ भारत का सपना हो या रूरल इंडिया के अपलिफ्टमेंट का, नया भारत आज उसे जी रहा है। तो ऐसे में बापू की लेगेसी क्यों पीछे रह जाए? आज दांडी का उल्लेख तो पढ़ते हैं कि 1930 में दांडी भारत की आजादी के आंदोलन में एक टर्निंग पॉइंट था। तो दांडी कहाँ था, क्या था, क्या हुआ था, उसको आधुनिक रूप में प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। और इसी जज्बे के साथ 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस किया, जिसके तहत साबरमती आश्रम के अंदर और आसपास के 63 हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को रीडेवलप किया जाएगा। एम्फीथिएटर्स, मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस होकर ये आश्रम एक वर्ल्ड क्लास मेमोरियल बनेगा, where guests can have an immersive experience and get a glimpse into his simple living and high thinking.